नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है ऑल इंडिया न्यूज़। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचा के रखी है। इंग्लैंड, स्पेन, अमेरिका जैसे देश इसके भयानक परिणाम भुगत रहे हैं। वहीं इंडिया भी इसमें पीछे नहीं है। इंडिया में भी 800 के आसपास मामले मिल चुके हैं और करीब 30 से 35 लोगों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़ा हर पल बढ़ रहा है। इन सब परेशानियों के बावजूद दिल्ली के निज़ामुद्दीन इलाके में तबलीगी जमात के मरकज से कोरोना के कुछ 24 नए मामले सामने आए हैं और सभी मरीजों में कोरोना वायरस को पाया गया है। 335 लोगों को राजधानी के अलग अलग इलाकों से उठाकर अस्पतालों में भर्ती भी कराया गया है। निज़ामुद्दीन मस्जिद वाले इलाके को सील कर दिया गया है और इनके संपर्क में आए लगभग 1600 लोगों को पुलिस तलाश कर रही है। विश्व संगठन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इस इलाके का दौरा किया है और इस महामारी के एक्ट के तहत एक मुकदमा भी दर्ज किया है। निज़ामुद्दीन इलाके के जमात के मुख्यालय में रुके लोगों को कोरोना से संक्रमण होने की जानकारी मिली है, जिसमें लोगों की हालत बहुत बिगड़ गई है। यहीं पर एम्स में नए 34 मामले भेजे गए हैं और जो एम्स झज्जर हरियाणा में खोला गया है वहाँ पर भी 40 के आसपास मामले भेजे गए हैं। 153 लोगों को यहाँ भर्ती कराया गया है और राजीव गांधी हॉस्पिटल में 65 लोगों को भर्ती कराया है। उत्तरी रेलवे के आइसोलेशन केंद्र में भी करीब करीब 100 लोगों को रखा गया है। निज़ामुद्दीन मरकज ये जो इलाका है मित्रों, ये मुसलमानों का मुख्य इलाका माना जाता है और यहाँ पर कुछ धार्मिक लोगों की टोली जमा थी। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया, सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं माना और अपनी मजहबी जमात को उन्होंने इकट्ठा किया। वहाँ पर एक बड़ी मीटिंग की जिसमें से 1500-1600 लोग जमा थे। बार बार मना करने के बावजूद, सरकारों के द्वारा मना करने के बावजूद, प्रधानमंत्री के द्वारा मना करने के बावजूद, स्वास्थ्य संगठनों के मना करने के बावजूद ये लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए और इन्होंने एक दूसरे को कोरोना वायरस दे दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि 100 से ज़्यादा लोगों को भर्ती कराया गया है और शायद 3 से 4 लोगों की मौत भी हुई है। दिल्ली में हुई इस मीटिंग में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए थे करीब करीब 1500 लोग। इसमें मुस्लिम समुदाय के सारे लोग दिल्ली के निज़ामुद्दीन में इकट्ठा हुए। अब उनमें से लगभग 100 को कोरोना वायरस मिला है और जिनमें से 3 से 4 की मौत भी हो गई है। दिल्ली सरकार ने इन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है और इन सभी पर कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। सत्येंद्र जैन ने कहा कि इन सबको बार बार समझाने के बावजूद, मना करने के बावजूद इन्होंने बात को नहीं मानी, जिसके भयानक परिणाम दिल्ली को भुगतने पड़ सकते हैं। दिल्ली में हुई इनकी इस जमात में शामिल होने के लिए दुनिया के कई मुस्लिम देशों से लोग आए थे, जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना, बांग्लादेश आदि के मुसलमान दिल्ली में एक कार्यक्रम में, एक मीटिंग में इकट्ठा हुए थे, जिनमें से लगभग सभी को कोरोना वायरस हो गया है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश भी इस महामारी के सामने हार गए हैं। 1000 से 800 लोग रोज़ अमेरिका में मर रहे हैं। अमेरिका स्वास्थ्य सुविधाओं में इंडिया से बहुत ज़्यादा आगे हैं और हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि कृपया प्रधानमंत्री जी की बात को सुने, स्वास्थ्य संगठनों की बात को सुने और अपने घरों में ही लॉकडाउन का पालन करें, घर से बाहर ना निकलें। क्योंकि यह बात बिल्कुल साफ है, आप घर से बाहर जाएंगे तो घर में कोरोना वायरस लेके आएंगे और एक बार अगर ये वायरस आपको हो गया तो आपकी एक ही मंजिल है, जो है मौत। कृपया अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और स्वस्थ रहें, अपने घरों में रहें। धन्यवाद। देखते रहिए ऑल इंडिया न्यूज़।